सारे स्ट्रक्चर्स सारे मकैनिज्म देख लिए अब ओवरऑल मेकेजम तो हमने देख लिया है कि वो कैसे हो रहा है बट अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस और किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज होती है क्रॉस बैरियर्स वो अब हम इस सेक्शन में देखेंगे इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो दूसरे मटेरियल्स की तरह जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं वो भी वेरियस रीजन्स ऑफ़ द बॉडी में से ट्रांसफ़र हो रही होती हैं बाय मींस ऑफ ब्लड क्योंकि ब्लड बहुत सारी और चीज़ें भी कैरी कर रहा होता है तो इसके साथ साथ जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं वो भी ब्लड के थ्रू ही जो है वो मूव कर रही होती हैं अब ब्लड जो है वो अगर हम इन टर्म्स ऑफ गैसेस बात करें तो इट ट्रांसफ़र्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट टिश्यूज़ एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज़ टू द लंग्स यानी ये वाइस वर्सा प्रोसेस है एक दूसरे के ऑपोजिट चलता है कि लंग्स से ऑक्सीजन लेके वो डिफरेंट टिश्यूज़ तक जाता है और फिर उन टिश्यूज़ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लेके वापस आता है लंग्स की तरफ अब अगर हम ऑक्सीजन uh, की बात करें इन ब्लड के वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही है तो 97 परसेंट जो ऑक्सीजन है वो कैरी होती है थ्रू आर बी एज़ हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन जो है वो एक uh, हमारे पास पिगमेंट है जो कि के कैरी कर रही होती है ऑक्सीजन uh, को ऑन द अदर हैंड अदरसेंट ऑक्सीजन जो बच गई है दैट इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सीजन इन द प्लाज्मा सो मेजर सोर्स क्या है यानी क्या है हमारे पास जो ब्लड है वो ही है अब अगर हम उसके मैकेजम की बात करें तो जब हाई पार्शल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का तब ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है फिर ये जो बाइंडिंग है ये परमानेंट नहीं है दैट इज़ रिवर्सिबल यानी अगर ऑक्सीजन बाइंड हुई है तो कुछ फैक्टर्स चेंज होने की बिना पर वो उससे हट भी सकती है यानी उससे डिटैच भी हो सकती है अब लंग के अंदर ये हो रहा होता है ये ये वाला प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस अब एक मॉलिक्यूल जो है वो हीमोग्लोबिन का उसके साथ फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अटैच हुए होते हैं और ये मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह है कि वी हैव हीमोग्लोबिन प्लस फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इट मेक्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब आप, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से आती है हमारे आर के पास उसमें जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं वो जो है वो मिलके ऑक्सीमोग्लोबिन बना देते हैं और लेटर ऑन दैट सेम ऑक्सीजन इज डिफ्यू अगेन डिफ्यूज्ड एंड इट इज प्रोवाइडेड टू द टिश्यू सेल्स दूसरी चीज़ आती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड अब ऑक्सीजन की बात क्या तक ख़त्म अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज पे बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेसिकली हमारे पास तीन तरह से जो है वो एक्सचेंज हो रही होती है वी हैव द फर्स्ट मैकेजम इज एज बाई कार्बोनेट दूसरा मैकेनिज्म है एज ह्यूमोग्लोबिन और तीसरा हमारे पास मैकेनिज़्म है एज डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा जिसमें से सबसे जो एक्सटेंसिव मैकेनिज्म है वो है एज बाइकार्बोनेट आयन आइन अब 70 परसेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में एज बाइकार्बोनेट कार्बोनेट जो है वो कैरी हो रही होती है अब वो होती कैसे है वो होती ऐसे है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट डिफ्यूज इन टू द ब्लड कहाँ से आती है टिश्यूज से अब टिश्यूज से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है ब्लड में अब यहाँ पे जो डिपिक्शन दी हुई है जो रेड ब्लड सेल आपको दिखाया हुआ है और उसके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन भी शो किए हुए हैं हम गो थ्रू करेंगे इनसे वन बाय वन सबसे पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गई यहाँ पे ब्लड के अंदर यानी इस आर के अंदर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ये वाली जो है ये इट विल कम्बाइन विद वाटर अब वाटर के साथ कंबाइन करने के बाद क्या करेगी ये इन इनका रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इंजाइन दैट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेज उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास कार्बोनिक एसिड बन जाएगा जैसे कि रिएक्शन जो आप देख सकते हैं ओवर इन इन द रिटर्न सेक्शन कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एस एनहाइड्रेज मेक्स एच टू सी ओ थ्री एच टू सी ओ थ्री इज कार्बोनिक एसिड बट द प्रॉब्लम इज कि जो कार्बोनिक एसिड है वो बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है तो इसलिए वो फॉरन से डिसोसिएट हो जाता है और वो क्या बना देते हैं हमारे पास ये दो आइंस बना देता है विच यू कैन सी हीयर एच सी ओ थ्री एंड देन यू हैव दिस एच पॉजिटिव ये दो आइंस बन जाते हैं अब अगला जो स्टेप है उसमें ये होता है कि ये जो हाइड्रोजन आइंस हैं ये अगर एकमुलेट होना शुरू हो जाए तो इनकी एकमुुलेशन जो है वो ब्लड में एसिडिटी इंक्रीज कर देती है जिसकी वजह से जो ओवरऑल पी है उसमें डिक्रीज आ जाता है अब डिक्रीज आना जो है वो बुरी बात है क्योंकि हमारे पीएच मेंटेन होनी चाहिए हमारे ब्लड की तो अब यूजुअली ये होता नहीं है क्यों नहीं होता क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है उसके पास एक बफ़र मकैनिज़म है कि वो जो ये फॉर्म हाइड्रोजन होती है उसको बफर करती है किस तरह बफ़र करती है कि ये वाला जो हाइड्रोजन आपके पास है अलग से ये चला जाता है और अटैच हो जाता है ऑक्सी के साथ अब ऑक्सी जो है वो जब इसके साथ जो है रिएक्ट करती है तो वो मिलके हमारे पास क्या बना देती है हीमोग्लोबिनिक एसिड अब हीमोग्लोबिनिक एसिड बन जाता है और प्लस हमारे पास चार जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं एक यहाँ पे फिलहाल है और दो, दो अलग से लिखे हुए हैं लेकिन ये ओवरऑल चार बन जाते हैं चार जो हैं फिर इनमें से ये वाला जो ऑक्सीजन है ये सेल से, से डिफ्यूज़ हो जाती है यानी इट गोज आउट ऑफ द सेल और प्लाज्मा में चली जाती है फिर इसके साथ ही हमारे पास एक और मेकेनिज़म भी है इसी के अंदर जिसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट अब क्लोराइड शिफ्ट क्या है कि रेथ्रोसाइड के अंदर से ही जो नेगेटिवली चार्ज एट्स यो थ्री आइंस होते हैं ये प्लाज्मा में डिफ्यूज़ करते हैं यहाँ पे हम इन आइंस की बात कर रहे हैं ये वाले ये प्लाज्मा में डिफ्यूज़ कर रहे हैं अब जब ये प्लाज्मा में डिफ्यूज़ करेंगे तो उनकी डिफ्यूजन को बैलेंस आउट करने के लिए क्या होता है कि प्लाज्मा से हमारे पास क्लोरिन आइन्स जो हैं वो अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं अब इनका अंदर मूव करना और ए सू थ्री आइंस का बाहर जाना जो है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय बायेशल बाय कार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन जो कि आर बी सीज की सेल मेम्ब्रेन पे होती है जैसे कि ये, ये बिल्कुल मेम्ब्रेन है और ये वाली जो चीज़ है दिस वन दैट इज दैट प्रोटीन कैरियर जो कि इन दोनों को जो है बैलेंस करता है इनकी मूवमेंट को अब ये वाली जो प्रोटीन है दिस मूव द टू आइंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि एक क्लोराइड जो है वो अंदर आ रहा है और ये जो है ये बाहर जा रहा है अब इस पूरे मेकेानिज़म को कि जिस तरह से ये दो आइन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हेम बर्गर मेकेजम या हेम बर्गर फिनमिनन और ये भी जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो मूवमेंट है एज़ बाय कार्बोनेट आइन उसी के प्रोसेस में हो रहा होता है फिर एंड पे हम पहुँचते हैं तो ये होता है कि ये जो क्ल, क्लोराइड आइन है ये आर में एंटर होता है और ये पोटेशियम के साथ कंबाइन करके पोटाशियम क्लोराइड बना देता है जबकि बाई कार्बोनाइट आइंस जो होते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर दे कंबाइन विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम बाई कार्बोनीट्स तो ये जो है अपने अपने रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स बना लेते हैं जिसकी वजह से जो हमारे ब्लड की पी है इट इज़ मेटेन्ड एट अप्रॉक्सीमेटली सेवन पॉइंट फोर बाय द बफर मैकेज़म दैट एग्जिस्ट इन द ब्लड तो ओवरऑल ये मिलजुल के पीएच को भी मेंटेन कर लेते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड की आ, किस तरह से कैरी होनी है और कहाँ जानी है उसको भी देख लेते हैं उसके अलावा दो और मैकेनिजम्स हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव करती है फर्स्ट इज एज कार्बोक्सी कार्बॉक्सीमोग्लोबिन अब 23 परसेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आ, इस मकैनिज़म के थ्रू कैरी हो रही होती है तो इस वाले उसमें मकैनिज़म में होता क्या है जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट कम्बाइन विद हीमोग्लोबिन अब हीमोग्लोबिन के साथ जब ये कंबाइन करती है और जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की जब वो टिश्यू में हायर होती है देन इन द ब्लड कि टिश्यूज़ के अंदर हायर है ब्लड में कम है तो वो वहाँ से डिफ्यूज़ कर जाएगी टूवर्ड्स द ब्लड अब कार्बोऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाती है वहाँ पे लेकिन ऑन द अदर हैंड जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शल प्रेशर जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द टिश्यूज़ तो फिर वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ होकर हमारे लंग्स में चली जाती है तो इस तरह से कार्ब हीमोग्लोबिन की फॉर्म में भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैरी हो रही होती है एक लास्ट मैकेनिज्म है एज डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा तो ये बहुत माइनर सा एक मैकेनिज्म है जिसमें सिर्फ सेवन परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है आ, इस तरीके से जाती है और ये बहुत ही इनफिशेंट है इसलिए आवर बॉडीज़ डू नॉट इंक्रेज इट एंड रादर दे रिलाई ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर एज़ बाई कार्बोनेट आइंस